नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं जो आपको रेसिपी देने जा रही हूँ ये आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इस रेसिपी में आपको भरपूर आयरन और विटामिन सी मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है, पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, ये 750 ग्राम गुड़ है। इसको गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। ये जो रेसिपी है ये बनेगी आंवले के चूर्ण, आंवले का जो चूर्ण होता है उससे और गुड़ से। आप जानते हैं आंवले में एक आंवले में 3 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। अगर एक छोटा सा आंवला खा लिया जाए तो समझ लेना कि आपने 3 संतरे खा लिए। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहते हैं कि आंवले का स्वाद और गुण और बुजुर्गों की बात देर से ही समझ आती है। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी है और ऐसे ही नहीं कही गई है, क्योंकि आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल भी कहा जाता है। आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन और विटामिन ए और ई आदि तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और आंवला खाने से दिमाग तेज होता है, याददाश्त ताज़ी रहती है, याददाश्त बढ़ती है, आँखों के सभी रोग ठीक हो जाते हैं जो लोग आंवले का सेवन करते हैं, और बालों की जो भी समस्या हो आंवला खाने से वो ठीक हो जाती हैं। और ये लीवर को भी मजबूत करता है आंवला, और मोटापा कम करता है आंवला। अगर आप नियमित सेवन करते हैं तो आपका फैट कम होगा और ये शरीर को भरपूर ऊर्जा देता है। अब बात करते हैं गुड़ की। बस ये गुड़ ये बता रही हूँ कि यहाँ पे खाली आपको मेल्ट करना है। अब गुड़ हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है, गैस हमने बंद कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आंवला चूर्ण। मैंने पतंजलि का आंवला चूर्ण लिया है, ये एक डब्बी है, वो 100 ग्राम की है। तो पहले हमने एक डब्बी डाली है तो उसको हम मिला देंगे। जब हमारा गुड़ मेल्ट हो गया तो हमने गैस बंद कर दी, और गैस बंद करने के बाद थोड़ा इसको ठंडा होने दिया है। ज़्यादा ठंडा नहीं, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा उबलते हुए गुड़ में नहीं डालना है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आंवला चूर्ण को। अब देखिए ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम एक डब्बी और डालेंगे, यानी 100 ग्राम आंवला चूर्ण और डालेंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से हटा लेंगे और मिलाकर अब एक डब्बी इसमें आंवला चूर्ण में और डाल रही हूँ, यानी 100 ग्राम। तो टोटल 750 ग्राम गुड़ में हमने डाली है 200 ग्राम आंवला चूर्ण। ये खट्टी मीठी गोलियाँ बनेंगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और इन गोलियों को जैसे जिनके कब्ज रहती है वो नियमित रूप से इसको चूसते, क्योंकि बिल्कुल ऐसी लगेंगी खट्टी मीठी जो टॉफ़ी आती है उस तरह से आपको लगेगी। अब ये ठंडा होने के बाद, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसकी गोलियाँ बना लेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी थोड़ा लिक्विडी लगे आपको, तो आप इसमें थोड़ा सा जो गुड़ है उसको कूट कर अच्छी तरह से बारीक करके गुड़ और मिला लीजिएगा। बिना मतलब पिघलाना नहीं है गुड़ को। अभी देखिए इस तरह से गोलियाँ बनेंगी, तो गुड़ को पिघलाइएगा मत, बस आप उसको अच्छी तरह से फोड़ कर इसमें मिला लीजिएगा, अगर आपको ये ठंडा होने के बाद भी ऐसा लगे कि गोलियाँ नहीं बन रही हैं। और इसमें बूरा भी डाल सकते हैं आप, अगर आपको लिक्विडी सा लगे, ऐसा लगे कि भाई ये गोलियाँ नहीं बन रही हैं, तो आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सभी गोलियाँ हमारी बनकर तैयार हैं। और इसमें जो गुड़ मिलाया गया है, आप जानते हो गुड़ में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए और बी भरपूर मात्रा में होता है। गुड़ खाने से गैस कभी नहीं बनती, गुड़ खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है, गुड़ खाने से खून साफ होता है। और आप जानते हैं गुड़ में कितना आयरन होता है, भरपूर मात्रा में आयरन होता है गुड़ में। और गुड़ ब्लड से खराब टॉक्सिन दूर करता है, जिससे कि स्किन ग्लो करती है और मुहासे नहीं होते। थकान या कमजोरी जब होती है तो आपने देखा होगा गांव में कोई भी जैसे गेस्ट वगैरह आता था
तो जैसे हम गांव से जो भी रिलेट करते होंगे वो जानते होंगे कि जो भी कोई थक के कोई आता था घर में तो उसको एक गिलास पानी देते थे और साथ में गुड़ की डली देते थे। तो क्यों देते थे? क्योंकि गुड़ थकान या कमजोरी एकदम से दूर कर देता है और गुड़ खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है गुड़ खाने से। तो ये गोलियाँ आप बना के रखिए और बच्चों को दीजिए, इनका कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि गुड़ को अगर आप मेल्ट करना नहीं चाहते तो जो अगर आप बारीक गुड़ को फोड़ सकते हैं, मैंने तो इसलिए मेल्ट किया कि मैंने फोड़ा नहीं, अगर गुड़ को बारीक आप कर सकते हैं तो आप खाली गुड़ में बारीक करके और आंवला चूर्ण मिला देंगे तो भी गोलियाँ आसानी से बन जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।